Good morning, children. I hope that you all are fit, fine and safe. आप safe कैसे हैं बेटा? Can you tell me? Because you have a family. First, आपके पास है आपका family है. Then you are family. और आप next है कि आप अपने family के साथ कहाँ रह रहे हैं? You are living in a house. क्योंकि house आपको safe रखता है. ठीक है? So today we will learn about types of houses in fifth chapter of EVS. We all need food to eat and clothes to wear. Okay. Similarly, we also need a house to live with a family. हमें सब खाना चाहिए होता है और clothes भी कपड़े भी चाहिए होते हैं पहनने के लिए. Similarly, we all need a house. हमें घर भी चाहिए अपने आप को safe रखने के लिए और अपने family के साथ रहने के लिए. ओके अ हाउस. लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि व्हाई डू वी नीड अ हाउस? हमें हाउस का इतनी ज़रूरत क्यों है? क्या बाहर रहते हैं ना घर के अंदर, अगर बाहर रहोगे तो आपको पता है कि वायरस भी अटैक करेगा फिर, और क्या आपको धूप लग सकती है. सो अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, धूप, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, देन कोल्ड, देन थीव्स, चोरों से, एंड रेन, बारिश से आपको बचा के रखता है. वी फील सेफ इन अ हाउस. हम अपने आप को सेफ फील करते हैं. ओके, देन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ फैक्ट. सो कैन यू टेल मी अबाउट द पिक्चर? ये क्या है? दिस इज अ केव, गुफा है ये. तो इसमें कौन रहता है? अभी तो आजकल तो गुफा है नहीं, तो पहले कौन रहते थे इसमें? सो अर्ली मैन यूज टू लिव इन दिस केव्स. यहाँ पर अर्ली मैन पहले रहते थे, हमारे पहले के पूर्वज जो थे वो केव्स में रहते थे. क्यों? क्या उनको घर बनाने नहीं आता था? हाँ, क्योंकि उनको घर बनाना नहीं आता था, इसी वजह से वो केव्स में रहते थे. पहाड़ों में केव्स होते, पत्थर के अंदर ऐसे रहते थे. ठीक है, देन वी मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ हाउसेस. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस. सो दिस इज अ कच्चा हाउस. ओके, क्या आपने ये कच्चा हाउस कहीं देखा है? पिक्चर देखिए अच्छे से. हाँ, कहाँ देखा होगा? कैन यू टेल मी बेटा? कैन यू गेस? यस, यू माइट हैव सीन दिस इन विलेजेस, गाँव में आपने देखा होगा. ओके, तो आप क्या बता सकते हैं कि दिस कच्चा हाउस मेड अप ऑफ व्हाट व्हाट थिंग्स? मिट्टी ऐसे कुछ दिख रहा है ना यहाँ पर, मिट्टी है, फिर ये थैच टाइप का रूफ है. यस, सो कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ बैम्बूज, देन लीव्स, लकड़ी, वुड, मड, मिट्टी, then straw, then what we call as thatch. So ye, this the kachcha house is made from all these things. Okay, then we move on to pakka house. So generally aap jo rehte hain jahan par, this is a pakka house. Ab pakka house mein rehta hai to why do you live in a pakka house? Because it is a strong house. Okay, ye bahut strong hote hain. A pakka house is made up of sand, wood, cement, ब्रिक्स, ग्लास, आयरन. सो ये ज़्यादातर आप बता सकते हैं. वेयर डू वी फाइंड दिस पक्का हाउस? पक्का हाउस आर फाउंड इन सिटीज एंड टाउन, दे आर स्ट्रॉन्ग हाउसेस. ओके, देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वी कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेस. सो ये सारे वेरियस टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेस हैं. ठीक है, ये सारे पक्का हाउसेस. दिस इज अ बंगलो, दिस इज अ ड्यूप्लेक्स, फ्लैट्स, अपने फ्लैट्स देखे होंगे. देन वी कॉल ये स्क्राइस्क्रैपर. दिस आर टॉलेस्ट हाउसेस, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेस. ओके, आफ्टर पक्का टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेस, वी मूव ऑन टू सम स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउसेस. स्पेशल हाउसेस मतलब बहुत कम कम जगह पे ये हाउसेस देखने को मिलते हैं. सो कैन यू गेस दिस पिक्चर? विच पिक्चर इज दिस वन? ये कौन सा हाउस है? इसमें व्हील्स हैं. ठीक है, तो आप गेस कर सकते हैं. सो दिस इज अ कैरावन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हाउस ऑन व्हील्स. ये व्हील्स होते हैं इसमें. ये एक जगह, दीज आर मूवेबल हाउसेज, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं इस हाउस के अंदर बैठे बैठे. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज कैरावन्स. देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल हाउस, दैट इज वॉट? दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ हाउस बोट. इसको हम लोग शिखारा भी बोलते हैं. वी कॉल इट एज शिखारो ऑल्सो. यू कैन सी वाटर ऑल्सो हियर ना. दीज बोट, बोट मीन्स वाटर. सो दीज हाउस बोट आर फाउंड फ्लोटिंग इन वाटर. ये वाटर में फ्लोट करते हैं, एंड दे आर मेड ऑफ बैम्बूज, वुड्स,
ओके, लकड़ी से बना हुआ होता है, बैम्बू से बना हुआ होता है, और बता सकते हैं इन विच स्टेट इट इज़ फाउंड जनरली? दिस इज फाउंड इन कश्मीर इन द डाल लेक. ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउसेस, दैट इज इग्लू. दिस इज अ इग्लू. और आपको पता है दिस हाउस इज मेड अप ऑफ आइस, सी ब्लॉक्स ऑफ आइस. ओके, और हु लिव्स इन दिस हाउस, कौन रहता है इसके अंदर? एस्किमोज लिव इनसाइड द हाउस. ओके, और कैन यू चिल्ड्रन, कैन यू टेल मी इन विच प्लेसेस दिस हाउसेस आर फाउंड? यस, दिस हाउसेस आर फाउंड इन नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बहुत कोल्ड प्लेसेस में ये सब फाउंड होते हैं, एंटार्क्टिका, आर्कटिक सर्कल. ओके, देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउसेस, दैट इज टेंट. एंड आप देख सकते हैं दिस हाउस इज मेड ऑफ क्लोथ, सो दिस क्लोथ कपड़े से बना हुआ है ना, दिस क्लोथ इज कॉल्ड एज कैनवस क्लोथ. दिस इज अ टेम्प्ररी हाउस. वाई? क्योंकि आज टेम्प्ररी मतलब आज ये यहाँ पर हम लोग टेंट है, फिर नेक्स्ट टाइम हम उसको फोल्ड करके निकाल के फिर दूसरी जगह भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं. सो हु लिव्स इन दिस हाउसेज? जनरली एनसीसी कैडेट्स, स्काउट्स एंड वी कैन कॉल इट सोल्जर्स, दे लिव इन दिस हाउस, इसमें ये रहते हैं. एंड इट कैन बी फोल्डेड ईजीली. ओके, देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट हाउस इज कॉल्ड एज द स्टिल्ट हाउस. स्टिल्ट मतलब इट इज मेड अप ऑफ पोल्स, पोल्स एंड स्टिक्स. स्टिक्स से बना हुआ ना, देख रहे ना आप, पोल्स हैं. वाई? बिकॉज ये ऐसे कि आप सोच रहे होंगे कि कैसा घर है मैम कि ये ऊपर ऊपर सब दिख रहा है, क्योंकि दिस हाउसेज आर फाउंड इन प्लेसेज वेर इट रेन्स अ लॉट, जहाँ बहुत बारिश होती है और फ्लड भी हो जाता है, तो वहाँ के जो पीपल होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए ये वाटर से वो इतने लंबे लंबे स्टिल्ट हाउस बनाते हैं. ओके, और बहुत ऊपर होता है हाउस, ये उनको पानी से बचाता है. तो कैन यू नेम द स्टेट वेर इट इज फाउंड? यस, इट इज फाउंड इन असम. सो चिल्ड्रेन, दिस मच फॉर टुडे. होप मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.